बच्चों हमारा जो आज चैप्टर शुरू हो रहा है वो कौन सा है? क्लास 11th की जो सप्लीमेंट्री बुक है जिसका नाम क्या है? स्नैपशॉट। उसका ही हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है? द समर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। अब ये कहानी किसके बारे में है? ये कहानी दो बच्चों के बारे में है। और इस कहानी में आखिर इसका मूल तत्व क्या है? इसका मूल तत्व है एक ऐसा कबीला, एक ऐसी जाति जो कि जानी जाती है अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। और ये दोनों बच्चे जो हैं इसी जाति के, या फिर हम बोल सकते हैं कबीले के हैं। और किस तरह से घटनाएं होती हैं और क्या क्या होता है, चलो ये सब जानने के लिए हम करेंगे ये चैप्टर की शुरुआत, द समर ऑफ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स। One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence। तो क्या बोल रहे हैं एक कोई जो वक्ता है वो क्या बोल रहा है कि एक दिन जब पुराने दिन हुआ करते थे, जब मैं कितने साल का था? 9 वर्ष का था। तो जो बोलने वाला व्यक्ति है उसकी उम्र बताई गई है बच्चों, वो कितने साल का था? 9 वर्ष का। तब जो दुनिया है उसमें क्या था बच्चों? एक वैभव थी, एक ऐसा वैभव जो कि आप, जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, जिस भी चीज़ की आप कल्पना कर सकते हो उस तरह का वैभव इस दुनिया में मौजूद था। इमेजिनेबल का मतलब क्या होता है? जिसकी आप कल्पना कर सकते हो, कल्पनीय। और मैग्निफिसेंस का मतलब क्या होता है? शान या फिर वैभव। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम। और जो जिंदगी थी वो कैसी थी? एक आनंदमय, डिलाइटफुल यानी कि आनंदमय और रहस्यमय सपने जैसी थी। मिस्टीरियस यानी कि रहस्यमय, और ड्रीम का क्या मतलब होता है? सपना। माई कजिन मुराद, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, केम टू माई हाउस एट 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room। तो उस व्यक्ति ने क्या बताया कि एक सुबह कौन आया उसके दरवाजे पे, उसकी खिड़की के दरवाजे पे? उसका कजिन मुराद। तो याद रखेंगे हम, एक पहले बच्चे का हमें नाम क्या पता चला? मुराद। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी, मुराद को क्या माना जाता था? उसको पागल माना जाता था या फिर सनकी माना जाता था बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी। तो जो कोई भी व्यक्ति मुराद को जानता था उसे ये लगता था कि मुराद सनकी व्यक्ति है या पागल व्यक्ति है, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता था। मुराद केम टू माई हाउस एट 4 in the morning एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। तो मुराद मेरे घर पे आया सुबह के सुबह 4 बजे। बच्चों कितने बजे आया? 4 बजे आया, और उसने खिड़की को खटखटाते हुए मुझे उठाया। टैप करना मतलब खटखटाना, ऑन द विंडो ऑफ माई रूम। तो मेरे कमरे की जो खिड़की थी वहाँ पे खटखटा के मुझे उठाया। एरम ही सेड, और उसने क्या बोला? एरम। तो बच्चों जो हमारा कहानी वाला व्यक्ति है, जो ये कहानी बता रहा है, उसका नाम क्या है? एरम। यानी कि दो बच्चे कौन से हैं? एक मुराद और एक एरम। और देखो बच्चों, ये जो आपके सामने जो शब्द है, जो कि आप लोग को थोड़े से कठिन लग रहे होंगे ना कि इनका मतलब क्या है या इनका मतलब वाक्य में क्या है, तो वो सारे जो शब्द हैं वो यहाँ पर हमने आपके लिए मेंशन किए हैं ताकि आप इनको बार बार पढ़ सकें, बार बार रिपीट कर सकें। तो इससे क्या होगा, आपके जो नए शब्द, जो आप नए शब्द हैं वो अच्छे से सीख पाएंगे, आपकी जो वोकैबुलरी है वो भी बढ़ेगी, है ना। और इनका हम यूज़ भी, जब आप इन शब्दों का मतलब देखकर इन वाक्यों के अंदर उनका यूज़ करना सीख जाएंगे तो आपकी इंग्लिश अपने आप ही अच्छी होने लग जाएगी। तो चलो कहानी में आगे चलते हैं। I jumped out of bed and looked out of the window। मैंने क्या किया, मैं अपने बिस्तर से कूदा और मैंने खिड़की के बाहर देखा। I couldn't believe what I saw। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था जो मैंने देखा। पर क्या देखा, देखते हैं। It wasn't morning yet, but it was summer, and with daybreak not many minutes around the corner of the world, it was light enough for me to know I wasn't dreaming। तो ये व्यक्ति क्या बता रहा है कि अभी तक सुबह
नहीं हुई थी, इट वॉजेंट मॉर्निंग येट, अभी तक सुबह नहीं हुई थी. लेकिन क्या हुआ था, ये थे गर्मियों के दिन, समर के दिन, और जो डे ब्रेक था, मतलब जो एकदम सवेरा होने में चंद मिनट बचे थे, पर फिर भी मुझे इतने अच्छे से दिखाई दे रहा था कि मेरे को यकीन था कि मैं कोई सपना नहीं ले रहा हूँ. My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. जो मेरा कजिन था मुराद, वो एक बहुत खूबसूरत सफेद घोड़े पर बैठा हुआ था. I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने अपना सर बाहर निकाला. I stuck my head out. इसका मतलब क्या होता है, मैंने अपना सर ऐसे बाहर निकाला खिड़की से और क्या किया, मैंने अपनी आँखों को मसला, रब किया. जो हम आँखों को सो के उठ के मसलते हैं ना, उसको बोलते हैं रब करना आँखों को. तो मैंने अपनी आँखों को मसला. Yes, he said in Armenian. It is a horse. You are not dreaming. तो मुराद ने अर्मेनियन भाषा में क्या बोला कि हाँ, तुम सपना नहीं देख रहे हो, ये सचमुच एक घोड़ा है. Make it quick if you want to ride. जल्दी करो अगर तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into this world by mistake. और मैं जानता था मेरा जो cousin Murad था वो बहुत ही ज़्यादा जिंदा दिल था, उन लोगों से ज़्यादा जो कि आज तक इस दुनिया में पैदा हुए थे. But this was more than I could believe. लेकिन ये तो मेरे यकीन करने से भी ज़्यादा बड़ी बात थी. In the first place, my earliest memories has been memories of horses. पहला कारण इसका ये था कि मैंने हमेशा से, शुरुआत से ही एक सपना देखा है, एक मेरी याद है, और वो याद किस चीज़ की है बच्चों, memories of horses. यादें हैं वो घोड़ों की. And my first longings had been longings to ride. और जो मेरी पहली जो तीव्र इच्छा थी, longing का मतलब क्या होता है, तीव्र इच्छा, तो जो मेरी पहली तीव्र इच्छा थी वो यही थी कि मैं इन घोड़ों की सवारी कर सकूं. This was the wonderful part. और यही सबसे अद्भुत पार्ट है बच्चों, wonderful part. ये देखिए आपके लिए यहाँ पे शब्द भी लिखा है अद्भुत. स्पेलिंग मिस्टेक लगे तो उसको फटाफट अपने आप से ठीक कर लीजिए, है ना. क्या मतलब होता है wonderful का, अद्भुत, यही इसका सबसे अद्भुत पार्ट है. In the second place, we were poor. और दूसरा कारण जिसकी वजह से मैंने जो देखा मैं उसका यकीन नहीं कर पा रहा था, उसका कारण क्या था, हम गरीब थे. This was the part that wouldn't permit me to believe what I saw. और यही वो हिस्सा था जिसने मुझे क्या किया, आज्ञा नहीं दी, परमिट करना, है ना. परमिट करना मतलब आज्ञा देना, और did not, wouldn't permit का मतलब क्या होता है, आज्ञा नहीं दी कि उस बात का यकीन कर सकूं जो मैंने देखा. We were poor, we had no money. हम गरीब थे, हमारे पास कोई पैसे नहीं थे. और होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन. हमारी जो पूरी जाति थी या पूरा कबीला था, ट्राइब मतलब क्या होता है बच्चों, जाति या फिर कबीला, तो जो हमारी पूरी जाति थी और कबीला था वो कैसा था, पॉवर्टी स्ट्रिकन. पॉवर्टी स्ट्रिकन का मतलब क्या होता है, गरीबी से ग्रस्त, अत्याधिक गरीब, गरीबी से ग्रस्त था. Every branch of Gorgalian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. तो Gorgalian family है ना, ये क्या है भाई, हमारे उस उनके इन दोनों बच्चों के वंश का एक नाम है. जैसे मैं बोलती हूँ मेरा नाम मानसी शर्मा है, तो मैं कौन से परिवार से हूँ, शर्मा परिवार से, है ना. उसी तरीके से ये दोनों बच्चे किसके थे, Gorgalian फैमिली के थे. ये जो पूरा इनके जो पूरा परिवार था Gorgalian फैमिली का, वो किस तरीके से जी रहे थे, द मोस्ट अमेजिंग, आश्चर्य हो जाने वाले रूप से, और एक हास्यपूर्ण गरीबी के अंदर वो जी रहे थे. Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies. और कभी किसी को समझ में नहीं आता था कि हम इतने पैसे कहाँ से लाते हैं कि हम भरपेट खाना खा सकें. Not even the old man of the family. यही बात घर के जो बुजुर्ग है उनको भी समझ नहीं आता कि भाई पेट भरने के लिए ये लोग पैसे लेके कहाँ से आते हैं.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी. और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो ये है कि जो हमारा परिवार है, हमारा जो पूरा वंश है, वो जाना जाता है किसके लिए? ऑनेस्टी के लिए बच्चों, सच्चाई के लिए या फिर ईमानदारी के लिए. We had been famous for honesty for something like 11 centuries. हम अपनी इसी ईमानदारी या फिर सच्चाई के लिए करीब 11 शताब्दियों से क्या हैं? Famous हैं, centuries यानी कि शताब्दी. तो अब बच्चों इन यहाँ पर देख के बताओ कि century का मतलब क्या है, honest है या नहीं? Honest का मतलब तो अभी अभी हमने क्या जाना, honest का मतलब तो हमने ये जाना सच्चाई या फिर ईमानदारी. तो शताब्दी किसका मतलब होता है? Honest का नहीं, सेंचुरीज का मतलब है. When we had been the wealthiest family in what we like to think was the world. तो हम अपनी ईमानदारी के लिए 11 शताब्दियों से जाने जाते थे. तब भी जाने जाते थे जब हम पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वेल्दी थे. वेल्दी होना होने का मतलब क्या है? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रुपए थे, हम रईस थे. Honest next and we were proud first, honest next. हम पहले कैसे थे बच्चों? पहले हम proud थे, हम गर्व महसूस करते थे अपने आप पे, है ना? और उसके बाद हम ईमानदार थे, honest थे. And after that we believed in right and wrong. और तीसरे नंबर पे क्या था कि हम यकीन करते थे सही और गलत में. तो पहली बात क्या थी इनके परिवार के लिए कि ये किस तरह के व्यक्ति थे? ये खुद पे गर्व करने वाले व्यक्ति थे. दूसरी बात क्या थी कि ये ईमानदार थे. और तीसरी बात क्या थी, ये सही और गलत में बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. और हम में से, हमारे परिवार में से कोई भी सदस्य कभी भी किसी और का फ़ायदा नहीं उठाएगा. एडवांटेज लेना मतलब फ़ायदा नहीं उठाएगा. चोरी तो दूर की बात है. हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने क्या जाना बच्चों? हमने इन दोनों बच्चे एरम और मोराड के परिवार के बारे में जाना कि किस तरह का परिवार था इनका और किस तरह के विचार थे इनके परिवार के बारे में. लेकिन इस कहानी में आखिर उस सफ़ेद घोड़े का क्या औचित्य है, ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? देखना पड़ेगा इसी वीडियो का अगला भाग. तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में.